है तो आपको मालूम होगा कि इनको कितना चैलेंजेस हुआ होगा, तभी भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और यहां में हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे साथ मेवार है यहां में, फॉर्मर टीएसएफ प्रेसिडेंट, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, जब श्यामा चरण त्रिपुरा ने, वीर विक्रम जमातिया ने, नरेंद्र बाबू ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया 1984, 1967, 1980, तो आज हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज करें अपना पिपरासा के साथ? जब इनका पास कुछ नहीं था, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज तो हम लोग के पास कुछ है। और जब ये लोग अपना दोफा के लिए फाइट कर सकता था, जब पेट में खाना नहीं था, पॉकेट में पैसा नहीं था, पीने के लिए तुई नहीं था, पानी नहीं था, तब ये लोग फाइट कर सकते थे, तो आज पिपरासा क्यों इतना कमजोर हो चुका है कि आज हम लोग पिपरा लैंड के लिए, ग्रेटर पिपरा लैंड के लिए फाइट नहीं कर सके? आप अगर ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो एडीसी नहीं मिलता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिल्ली गया, श्यामा बाबू इंदिरा गांधी से मिला और राइटिंग में लेके आया TTAADC, तभी उन्होंने बात किया। आज हम लोग जब दिल्ली जाएंगे तो जब तक राइटिंग में नहीं मिलेगा, जैसा श्यामा बाबू ने पिपरालैंड के बारे में बोला, हम लोग ना कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना कोई अलायंस करेंगे। ये आपको मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग सबसे सीख सकते हैं। आज आप लोग गुबागरा एक लॉकथोन बोलते हैं, गुबागरा का मतलब क्या है, हानि गुबागरा का मतलब क्या है, गुबागरा का भी ड्यूटी है। गुबागरा सिर्फ राजमहल में पैदा होने से नहीं होता, गुबागरा का भी ड्यूटी है। जब मैं महाराजा वीर विक्रम को याद करता हूं, मेरे पिताजी को किरण विक्रम को याद करता हूं, वीर चंद्र महाराज को याद करता हूं, राधा किशोर पानिके को याद करता हूं, तब मैं अपने दिल में देखकर एक बात बोलता हूं, चित्त बाबू यू नो व्हाई आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिमांड ऑफ पिपरालैंड, बिकॉज आई कैनॉट ब्रिंग शेम टू माई एंसेस्टर्स। मेरा पूर्वज को मैं सर झुका नहीं सकता हूं। पॉलिटिक्स में आदमी दो रीजन के लिए आता है, तीन रीजन के लिए आता है, सोशल वर्क, मनी और नाम। भगवान ने पैसा बहुत दे दिया, जब मेरा नाती वापस आएगा तो उसको खाली हाथ मत भेजना। मैं आया हूं खाली हाथ, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका थानसा मांगता हूं। अगर आपका थानसा है ना तो खुद ब खुद पिपरासा को कुछ मिलेगा, अगर आपका थानसा नहीं है ना तो बांट बांट के, डिवाइड एंड रूल करके पिपरासा को जो 70 साल से नीचे रखा गया वो चलते रहेगा। मैं आपको आज 14 अक्टूबर यहां में वीर विक्रम जमातिया का परिवार है, यहां में श्यामा बाबू का परिवार है, यहां में नागेंद्र जमातिया का परिवार है, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं बेलाय बेलाय नो हम भाई, क्योंकि आज श्यामा बाबू, नागेंद्र बाबू, वीर विक्रम यहां में नहीं है, लेकिन आप यहां आए, इस प्रोग्राम में आए, आपने ये प्रोग्राम को और बड़ा किया। बुबागरा आने से ये प्रोग्राम बड़ा नहीं हुआ, आप लोग यहां में हैं इसके लिए ये प्रोग्राम बड़ा हुआ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग उस परिवार का है, उस खून का है जिसने पिपरा को बहुत दिया, पिपरासा को बहुत दिया, आज आप उसी श्यामा बाबू, नागेंद्र बाबू और वीर विक्रम का सिद्धांत में चलो, 3 महीना एक संग रहो, हम लोग इस बार फाइट करके अपना पिपरासा को, अपना हाथ, अपना राज्य वापस दे के रहेगा, ये बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये फाइट अब पार्टी का नहीं, ये फाइट अब जाति का है। आपको भी अपना दिमाग में, माइंड में मेकअप करना है कि आपको जाति के लिए फाइट करना है
कि आपको पार्टी के लिए फाइट करना है। बुबागरा ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, नो कॉम्प्रोमाइज। वंस अगेन आई थैंक द फैमिलीज ऑफ श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमातिया, वीर विक्रम जमातिया, आप लोग यहां में आए, उनके वाइफ, उनके डॉटर्स, चिल्ड्रन, सन, एक्सटेंडेड फैमिली, आप लोग आए, उनका बड़ा भाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन पीपरा लैंड मिलेगा ना, तीनों का 50-50 फुट का मूर्ति बनाकर यहां में और अगरतला का बीच में लगा के मैं दिखाऊंगा, ये है पीपरा लैंड, ये है ग्रेटर पीपरा लैंड। आप लोग भूलिए मत, आप लोग उस परिवार से आते हैं जिसने बहुत दिया है त्रिपुरा को, और आज जो हमने आपको दिया है ना, वो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको सम्मान देने के लिए, उनका आत्मा को थोड़ा शांति देने के लिए। दैट इज ऑल वी वॉन्टेड। दुख लगता है कि इससे पहले किसी ने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनाया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाकर बिल्डिंग बनाते रहा, लेकिन अपना लोगों को इज्जत नहीं दिया। आज तिपरा मोथा आया है, तिपरा मोथा पार्टी से पहले एक मूवमेंट है फॉर तिपरा लैंड, वो मत भूलो। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है, आप अपने बच्चे खुद एक बार आंख में देखकर, अपना बीवी को आंख में एक बार देखकर पूछो, क्या चाहिए, सर्वाइवल इन एग्जिस्टेंस या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रन? आपको जवाब अपना तिपरासा का, गरीब तिपरासा का आंख में मिल जाएगा। जो भूखा तिपरासा है ना, उसमें आंख मिला के एक बार देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा तिपरासा क्या चाहता है। तिपरासा रेडी है, तिपरासा इस बार रेडी है, और इस बार तिपरासा को पूरा इंडिया देखेगा। बुबागरा मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बेलाइनो हम्बाय कुलुखा, थैंक यू। फाइट कर रहा हूं आपके लिए, आराम से मैं कहीं में भी रह सकता हूं, दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, अमेरिका में मैं रह सकता हूं, कभी भी मैं अगरतला में राजबाड़ी में अकेला बैठ के आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, फाइट कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं किसके लिए ये कर रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। ये सम्मान पोस्ट से नहीं मिलेगा, ये सम्मान आपका दिल में जो प्यार है बुबागरा, उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे कभी कभी बहुत अकेला लगता है, मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां मैं। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब मुझे प्लीज सपोर्ट करो, मेरा रक्षा पुलिस नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा सीआरपीएफ नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा आपका तिपरासा तिपरा जब, आप लोग मुझे सुरक्षा करो, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। ये जो प्रेशर मेरे ऊपर आया गया है, कॉम्प्रोमाइज करो, अलायंस करो, ये करो, वो करो, मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग एक रहो, आप लोग एक रहो, मैं जाके फाइट करके हम लोग सब, ऑल ऑफ अस विल फाइट टुगेदर, और हम लोग अपना तिपरासा को अपना अधिकार देंगे। डोंट फॉरगेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज अ फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड अ एग्जिस्टेंस, दिस इज नॉट अ फाइट टू बिकम अ पीडब्ल्यूडी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, वो फाइट नहीं चाहिए हमको। हमको 5 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 6 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 13 लाख तिपरासा को कुछ देना है। जैसे श्यामा बाबू ने दिया, जैसे नवीन बाबू ने फाइट किया, वीर विक्रम ने जिंदगी को दिया। तो अगर ये लोग 1967 में, 1980 में, 1984 में तिपरासा के लिए फाइट कर सकता था, तो आज 2022 में, 2023 में तिपरासा का खून के अंदर क्या कमी है कि हम लोग अपना तिपरासा के लिए फाइट नहीं कर सकता है? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, ये स्पीच, ये भाषण पॉलिटिक्स का नहीं है, ये फाइट हमारा भविष्य का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है, ये फाइट हमारा, हम लोग तिपरासा का पेट में, गांव में आप जाके देखिए, खाना नहीं है खाने के लिए, पानी
पीने के लिए नहीं है, रास्ता में रास्ता टूटा हुआ है, बिजली नहीं आता है, स्कूल नहीं है, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर पैसे